कभी कभी हमें एक सिंपल फोटोग्राफ को स्पेशल लुक देने के लिए उसकी बाउंड्री पे कुछ इफेक्ट लगाने पड़ते हैं। तो उन्हीं में से एक इफेक्ट मैं शो करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप एक सिंपल इमेज को एक बाउंड्री का फेड एज इफेक्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी ये जो इमेज है वो फोटोशॉप में ओपन कर लेनी है। इसके बाद में आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल की सहायता से इस प्रकार से एक एरिया ड्रा कर लेना है। इसके बाद हम इस सिलेक्शन को इन्वर्स कर लेंगे। सेलेक्ट मेन्यू में जाते हैं, इन्वर्स बटन पे क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये जो आउटर बाउंड्री का सिलेक्शन आ जाता है। अब हम इस इमेज में यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे और एक नया लेयर बनाएंगे। ये जो ब्लैंक लेयर बना लेते हैं, इस ब्लैंक लेयर पे हम ऐड लेयर मास्क बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड लेयर मास्क पर क्लिक करने से ये लेयर मास्क हमें इंश्योर करता है कि हम जो इफेक्ट अब डालेंगे, बाउंड्री का एरिया सेलेक्ट किया था उसी पे इफेक्ट होगा, बाकी जो इमेज है हमारी वो सेफ रहेगी। तो इस वक्त तो ये जो लेयर ब्लैंक है तो इसमें हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो बॉर्डर इफेक्ट लगाने के लिए हम पहले तो इस लेयर को फिल कर लेते हैं। फिल करने के लिए हम यहाँ पे फिलहाल व्हाइट कलर इस्तेमाल करेंगे। ओके प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये जो व्हाइट बाउंड्री इस इमेज के चारों ओर आ गई है, ये हमारे इफेक्ट का एक पार्ट है। लेकिन हमें इस इफेक्ट को और भी बेटर लुक देना है तो इसके लिए हम यहाँ पे लेयर मास्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने से हमारे सामने लेयर मास्क से संबंधित ऑप्शन आएंगी। तो वो ऑप्शन देखने के लिए हमें प्रॉपर्टीज पैनल देखना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज पैनल को ओपन करने के लिए हम विंडो मेन्यू में जाएंगे। प्रॉपर्टीज पैनल यहाँ पे है। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज पैनल आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डेनिस्टी और फेदर। यहाँ पे आपको फेदर वैल्यू जो यहाँ पे दिखाई दे रही है 0.0 पिक्सल, इसको बढ़ाना है। इस प्रकार से जहाँ पे भी आपको बेटर लुक लगे वहाँ पे आपको ये फेदर वैल्यू सेट कर लेनी है। यहाँ पे ये परफेक्ट लुक दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप एक सिंपल इमेज की बाउंड्री को एक स्पेशल लुक दे सकते हैं। बॉर्डर को स्पेशल लुक देने के हम कुछ और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो फिर से हम एक इमेज लेते हैं। इस इमेज में इस प्रकार से एक एरिया ड्रा करते हैं और फिर से हम एक न्यू लेयर बनाते हैं और इस लेयर में हम फिर से ऐड लेयर मास्क पर क्लिक करेंगे। अब हम इस लेयर को व्हाइट कलर से फिल कर देते हैं। एडिट, फिल और कलर में हम व्हाइट कलर सेट करते हैं और ओके प्रेस करते हैं। लेकिन इस बार हमने जो ये फिल किया है, ये जो हमें फिल करना था उसका एकदम अपोजिट फिल हो गया है। इसके लिए हम यहाँ पे क्विक मास्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस लेयर मास्क से संबंधित प्रॉपर्टीज पैनल को देखते हैं, जिसे आप यहाँ पे विंडो मेन्यू से एक्सेस कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज पैनल में मास्क से संबंधित ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो इन्वर्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो ये सिलेक्शन था ये एकदम अपोजिट हो जाता है। तो इस प्रकार से भी आप अपने सिलेक्शन को अपोजिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे फिल्टर मेन्यू में जाएंगे। फिल्टर मेन्यू में जाके हम फिल्टर गैलरी पे क्लिक करते हैं। फिल्टर गैलरी में आपको यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी आपको पसंद आए वो आप फिल्टर चूज कर सकते हैं और
उस फिल्टर की जो सेटिंग्स है वो यहाँ से लो या हाई कर सकते हैं। इस इमेज के लिए हम यहाँ पे डिस्टॉर्ट फिल्टर्स में से ओशन रिपल सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ये जो रिपल साइज है आप इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे फुल पे सेट कर देते हैं, और ये जो रिपल मैग्नीट्यूड है इसको भी हम यहाँ पे पूरा सेट कर देते हैं 20 पॉइंट पे। इसके बाद हम ओके प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी इमेज में इफेक्ट शो करने लग जाएगा। आप फिल्टर मेन्यू में जाके एक से ज़्यादा फिल्टर भी एक इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर से फिल्टर मेन्यू में जाएंगे, फिल्टर गैलरी पर जाएंगे, और इस बार हम एक दूसरा फिल्टर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, मोजिक टाइल्स। यहाँ पे टाइल्स की आप यहाँ पे साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल हम ये सेट कर देते हैं। यहाँ पे विड्थ सेट कर सकते हैं, और लाइट एंड ग्रोथ भी यहाँ से इस प्रकार से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी आपको बेटर लगे उस हिसाब से आपको इन फिल्टर्स में से कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके सामने यहाँ पे। उसके बाद में ओके प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार से एक ही इमेज पे दो या जितना भी आप चाहें उतने फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आप अपने इमेज की ये जो आउटसाइड बॉर्डर है इसे एक स्पेशल लुक दे सकते हैं। इमेज की बॉर्डर को स्पेशल लुक देने का हम एक और तरीका जान लेते हैं। इस बार हमको पहले की तरह ही फोटो को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर क्रिएट करना है। इस ब्लैंक लेयर को हम वाइट कलर से फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे हम फिर से लेयर मास्क बटन पे क्लिक करेंगे, लेकिन इस बार हम लेयर मास्क पे क्लिक करने के साथ साथ ही एल्ट बटन प्रेस करेंगे ताकि ये जो अपोजिट है इसका अपोजिट सिलेक्शन हमारे सामने आए, यानी कि ये जो ब्लैक लेयर मास्क है ये ही सेलेक्ट हो, ना कि वाइट लेयर मास्क। अब हम टूल्स मेन्यू से ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे। ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद में हम इस ब्रश टूल के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक स्पेशल ब्रश का डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है जो आपकी इमेज को स्पेशल लुक दे सके। तो यहाँ से आपको जो भी आपको बेटर लगे, जैसे हम एग्जांपल के लिए ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ से आप शेप की जो डायनेमिक्स है वो सेट कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार से आप यहाँ इसकी साइज को सेट कर सकते हैं, यहाँ पे डायमीटर सेट कर सकते हैं आप इसका, इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका एंगल भी सेट कर सकते हैं। स्पेशल लुक के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। राउंडनेस जिटर आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम राउंडनेस यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्कैटरिंग में मतलब ये जो डिज़ाइन है कितना दूर रहे कितना पास रहे, यहाँ पे काउंट मेन्यू से आप बढ़ा सकते हैं, और काउंट जिल्टर से आप इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। ये इफेक्ट परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब हम इस ब्रश पैनल को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे ये जो ब्रश का जो मोड है ये नॉर्मल रहना चाहिए। ओपिसिटी पहले हम यहाँ पे 50% सेट कर लेते हैं, जिसे आप 5 बटन प्रेस करके भी या 50 बटन प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और फ्लो आपको 100%,
स्मूथिंग जो भी सेट है वो रहने देते हैं। इसके बाद में लेयर पैनल में आपको यह इंश्योर कर लेना है कि आपका ये जो लेयर मास्क है इस थंबनेल पे आपने क्लिक किया हुआ हो, और यहाँ पे ये जो ब्रश से संबंधित ये जो कलर है फोरग्राउंड बैकग्राउंड, इनको डिफ़ॉल्ट कलर पे सेट कर लेना है। इसके लिए आप डी बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर आप एक्स बटन प्रेस करके इनको स्विच कर सकते हैं। अब हम ये जो ब्रश है इस ब्रश की साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए आपको वो जो ओ और पी बटन के सामने जो लेफ्ट और राइट ब्रैकेट बने हुए हैं इनसे आप इसकी साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 50% ओपेसिटी में हम यहाँ पे इसकी कॉर्नर पे इस प्रकार से पेंट करेंगे। इसके बाद में एक बार फिर से हम इस ब्रश को अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार हम यहाँ पे ओपेसिटी 50 की बजाय 100% सेट कर देते हैं और ये जो ब्रश की साइज़ है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, और इस प्रकार से हम अप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से आपको ये जो बॉर्डर एरिया है उसी पे आपकी इस ब्रश को चलाना है। तो इस प्रकार से आप ब्रश टूल की सहायता से भी अपनी इमेज की ये जो बाउंड्री है इसको स्पेशल लुक दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। If you like the video, then subscribe to our channel and like or share video.